इसका ये काम तो कर दिया पूरा, सब तरफ टेप लगा दिया। अब इसको लगाना है इस डोर के ऊपर। I love my chore chat. You love your chore chat. Oh, hey. गुड मॉर्निंग, हवा अच्छी चल रही है बट धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। मैंने सुबह सुबह आज तैयार हो गई हूँ क्योंकि ईशानी की पीटीएम मीटिंग है, हमारी 3 ईयर ओल्ड की फर्स्ट प्रॉपर स्कूल वाली पीटीएम है, तो जाएंगे देखते हैं स्कूल में वो कैसे परफॉर्म कर रही है एंड ऑल। बेंच मार्क हाई है क्योंकि आर्यवीर उज माई फर्स्ट वन, उसकी पीटीएम में हमेशा काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे फॉर पीटीएम मीटिंग। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड पिंक मून एंड मिंत्रा से लिया है मैंने ये। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो फिर बहुत सारे मेरे आउटफिट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दैट इज रियल लाइफ, अब आउटफिट्स रिपीट करते ही हो। बहुत दिनों से मैंने व्हाट माय किड्स ईट इन अ डे वाला वीडियो नहीं किया, चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ब्रेकफास्ट हमने आज किया वेज मेयोनीज लगा के, तंदूरी मेयोनीज ना कोई भी सैंडविच में लगा दो तो बहुत यम्मी लगते हैं। तो बेसिकली प्लेन ब्रेड पे मैंने लगाई तंदूरी मेयोनीज और ऊपर से डाला पनीर भुर्जी, इसको मैंने रख दिया सैंडविच मेकर में। बहुत ही अमेजिंग सैंडविचेस बनते हैं, जरूर ट्राई करना अगर किया नहीं तो। बाल बांध दिए, भयंकर वाली गर्मी हो रही है, बिल्कुल लाइक खुले बाल बिल्कुल ही चल रहे हैं। आपके हिसाब से उसकी तारीफें होंगी या नहीं? हाँ मतलब होंगी मुझे तो लग रहा है। अरे शैनवी की होनी चाहिए क्योंकि मैम उसको स्मार्टी बुलाती है क्लास में, तो ग्रीन लाइट हो गया आप चला लो। मैम उसको स्मार्टी बुलाती है क्लास में, तो होपफुली रिव्यू अच्छा ही होने वाला है। एंड योर सेम एग्जैक्टली सेम टीचर्स हैं जो आर्यवीर को भी पढ़ाती थी, एंड क्योंकि 3.5 ईयर्स का ही डिफरेंस है तो उनको याद है आर्यवीर अच्छे से। सो देखते हैं अगर वो कुछ कंपैरिजन करती है या कुछ डिफरेंस उनको दिखता है या नहीं। मुझे उनसे जो पूछना है वो ये है कि ऑनलाइन क्लास में मैंने नोटिस किया था कि शानवी आफ्टर 1 आवर थोड़ा सा इरिटेट होने लगी थी, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट्स बिकॉज इट्स अ स्क्रीन। बट मुझे मैम से एक बार पूछना है कि क्लास में लाइक वो हैप्पी होती है थ्रू आउट या आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट शी इज लाइक डन विद स्कूल। मैम ने हमें देखते ही बोला कि अब आते ही क्यों हो पीटीएम में क्योंकि आपके दोनों बच्चे काफी अच्छे हैं। तो ये ईशानवी की हुई है तारीफें, मैम ने बोला शी इज द स्मार्टेस्ट इन क्लास एंड काफी वोकल है, सारे आंसर्स देती है, उसका अटेंशन स्पैन थ्रू आउट रहता है। सो ये वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी विद ईशानु नानू। ऑल्सो हमारे स्कूल में ना कैम्ब्रिज बोर्ड स्टार्ट हुआ है, तो मैंने मैम से वैसे ही लाइक जनरली पूछा, नॉट दैट मैं स्विच करा रही थी बोर्ड की, कैम्ब्रिज बोर्ड एंड CBSE में आपको कौन सा लगता है कि ईशानवी को लेना चाहिए, तो मैम लाइक नहीं ईशानवी को मैं जाने नहीं दूंगी कैम्ब्रिज बोर्ड में बिकॉज जस्ट द फैक्ट दैट शी इज सो गुड एट वेयर शी इज राइट नाउ। सो अच्छा लगता है यार अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सुनने में। ये बहुत ही स्मार्ट बेबी है, बहुत ही अच्छा बेबी है, सारा काम करते हैं, बहुत गुड बच्चे। आज लंच में कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा था तो मैंने छोले उबाल लिए, रात को भिगो के रखे हुए थे। उबालने के बाद उसका पानी निकाल के सिर्फ छोले एक बोल में ट्रांसफर कर लिया। आज हम बनाने वाला है छोला सैलेड, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हाँ छोले 2 फिंगर्स के बीच में पिच हो जाए बस इतना, एंड उसके साथ साथ बारीक कटा हुआ हमें चाहिए कुकुम्बर वो अच्छे से डालो, और प्याज और लाल और पीली शिमला मिर्च। टमाटर थोड़े महंगे हो रहे हैं तो मैंने कहा टमाटर रहने देती हूँ, वरना इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इन सब के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया भी इसमें मैंने डाली, वो भी बहुत ही अमेजिंग लगती है। एक पूरा नींबू स्क्वीज किया ऊपर से एंड लास्ट में डाला कैच का चाट मसाला। और छोले को मैंने नमक डाल के ही उबाला था तो फिर नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड बस इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें आप चाहो तो बॉइल्ड कॉर्न भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अमेजिंग लगेंगे। हमें बस टेक्स मिक्स का ये सालसा डिप रखा हुआ था, तो टमाटो ही फ्लेवर का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने कहा चलो टमाटर की जगह सालसा डिप डाल देते हैं इसमें, और इससे क्या फ्लेवर आया, दिस इज़ लाइक अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे बहुत ही अमेजिंग बन जाता है आपका छोला चाट। नाउ दिस स्टेप इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, मेरा बड़ा मन कर रहा था फेटा चीज़ ऐसे सैलेड में डाल के खाने का, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर डेकोरेट करने के लिए डाला, एंड आवर छोला चाट इज़ रेडी। आई लव माय छोले चाट। यू लव योर छोले चाट? ओ हो, आपको अच्छी लगी? कुछ दिन पहले मैंने आपको एक मॉस्किटो नेट दिखाया था, वो बेसिकली इस एरिया के लिए है। ये जो डोर है ये सीधे बाहर ओपन होता है, एंड हम खोल नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे कोई मॉस्किटो नेट नहीं है, एंड ऑफकोर्स इंसेक्ट्स आते जाते रहते हैं। दिस इज द ओनली कंसर्निंग पार्ट, मुझे लग रहा है यहाँ पे कैसे स्टिक होगा। तो पैकेट खोलते ही पैकेट के अंदर आया है नेट एंड उसके साथ साथ 2 टेप से आए हैं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस टू सी कि बेसिकली इनका करना क्या है,
और साथ में पुश पिंस आए हैं ढंग से रीइंफोर्स करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं चेक कर रही हूँ कि व्रत उसकी ठीक है या नहीं। ना इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी मैग्नेटिक टाइप डोर पे नहीं लगाया जाए, वरना आप दिक्कत करते हैं। एंड आर डोर इज स्लाइटली मैग्नेटिक, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो आई स्टिल वॉन्ट टू सी इफ दिस विल वर्क फॉर मी और नॉट। एंड आई थिंक साइज वाइज व्रत वाइज ठीक लग रहा है। इंस्ट्रक्शन है टू ले इट आउट फ्लैट ऑन फ्लोर फर्स्ट। जो मोटा वाला टेप है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक वेलक्रो टेप है। एंड जो पतला वाला है वो साइड की तरफ जाएगा। एंड सबसे पहले वेलक्रो को एक दूसरे से चिपकाना है। एंड आई रियली फील कि ये वो करके दे सकते थे, एंड हमें सिर्फ वाइट चीज पील ऑफ करने के लिए छोड़ सकते थे। तो ये काम तो कर दिया पूरा, सब तरफ टेप लगा दिया। अब इसको लगाना है इस डोर के ऊपर। द प्रॉब्लम इज पैम्फलेट से इसकी कुछ भी मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, वरना इंटरफेयर करेगा। एंड इससे चिपक रहे हैं मैग्नेट्स, तो लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली वर्क। किसी बच्चे का आते हैं, लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स आउट। नाउ जिसकी एप्लीकेशन है टेक्स अ लिटिल टाइम एंड एफर्ट, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट इसमें कि द फैक्ट दैट मेरा डोर मैग्नेटिक था हेल्प, वरना नेट मेरा बार बार 100% नीचे गिरता। सो जो सेंटर पॉइंट है आपको अपने डोर का वो ढूंढना है, एंड जो कर्टेन है उसका सेंटर पॉइंट वहाँ पे ले जाके थोड़ा सा ऊंचा करना है। जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नेट है वो बाकी पॉइंट से ऊपर रहेगा। ना इसमें अगेन आई फील क्योंकि ये एक सिंपल रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली बहुत नीट फिनिशिंग नहीं आती है अगर आप सेंटर का पीस उठा देते हो तो। सो आई फेल्ट कंपनी को थोड़ा सा इस डिज़ाइन का बना के देना चाहिए था कि वो सेंटर से थोड़ा सा उठा हुआ हो ऑलरेडी, एंड हमें ये नहीं करना पड़े। ओवरऑल जो इसकी एप्लीकेशन थी, लगाने का तरीका था, काफ़ी सिंपल था। थोड़ा टाइम इंटेंसिव था क्योंकि जो चिपकने वाली चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू स्टिक इट एंड वेयर यू स्टिक इट। जो हैंडल वाला एरिया था जहाँ के मुझे टेंशन थी, बिल्कुल परफेक्टली उसके ऊपर से ये नेट चला गया था। सो आई एम रियली हैप्पी कि ये परफेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वरना दिक्कत आती। बस नीचे तक इसको टेप करते जाओ, और अब जब पूरा लग गया है लेट्स ट्राई इट आउट कि ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। तो रीचिंग अक्रॉस इट एंड ओपनिंग द डोर वॉज सिंपल इनफ, एंड बीच में से आराम से खुल गया। वट आई फेल्ट वॉज कि जो ऊपर का साइड था वो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइट कर लिया था, तो वो अपने आप वापस क्लोज नहीं हो रहा था। नीचे वाला पोर्शन फिर भी क्लोज हो रहा था। सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड उसको मैं थोड़ा सा ढीला करके देखती हूँ। बट ओवरऑल आई स्टिल फील कि ये अपने आप वापस बिल्कुल एब्सोल्युटली चिपक तो नहीं जाएगा। नीचे वाला पोर्शन फिर भी वर्क कर रहा था जैसे वो दिखा रहे थे। हाउएवर आई फील ऊपर वाले पोर्शन को किसी ना किसी पॉइंट पर हमको अपने आप ही चिपकाना पड़ेगा, विच इज़ ओके। आई मीन मॉस्किट इतना तो कर ही सकते हैं यार, इतना भी कोई बहुत मेजर हैसिल नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा हैसिल है, कि मुझे बार बार ये थोड़ा थोड़ा ठीक करने पड़ रहा है, बिकॉज मेरा डोर भी मैग्नेटिक है तो उससे भी चिपक जाता है। शुड आई रिमूव दिस, और इतना सा छोटा सा एफर्ट करके चल रहा है जब काम तो चल रहा है। लेट मी नो योर थाट्स। चलो आज के लिए बाय। ओ एंड बाय द वे, जो मैंने अमेजोन से पिक्चर्स मंगवाई थी, वॉल आर्ट मंगवाया था, उससे मैंने अपना रूम डेकोरेट कर लिया है। लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट अ वीडियो अबाउट दैट। जो मेरा न्यू रूम का डेकोर है, जो हॉल का डेकोर है, उसका वीडियो चाहिए या नहीं कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना।